बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए क्रिस्पी फ्राइड विंग्स की बहुत ही बेसिक और आसान सी रेसिपी लेकर आई हूं। आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगेगी। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। क्रिस्पी फ्राइड विंग्स बनाने के लिए 1 किलो चिकन विंग्स लिए हैं मैंने। सबसे पहले हम इसमें 1 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे, 4 टेबलस्पून हम इसमें वाइट विनीगर ऐड करेंगे और इसके बाद हम इसमें पानी डालकर इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए डिप करके रख देंगे। तो ये इसकी पहली मैरिनेशन है। इससे ये है कि जो भी इसमें ब्लड वगैरह होगा वो भी साफ़ हो जाएगा और ये अंदर से टेंडर भी हो जाएंगे। तो 1 घंटे के लिए इसको रख देंगे। उसके बाद हम इसको नॉर्मल पानी से वॉश करेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल वाइट हो चुके हैं और बिल्कुल साफ़ हो गए हैं। अब इसकी हम अगेन मैरिनेशन करते हैं, जिसके लिए सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। तो बहुत ही कम मसाले इसमें ऐड करेंगे, बेसिक सी रेसिपी है। 1/2 टीस्पून हम इसमें ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे, आप पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। इसके साथ हम इसमें 2 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड करेंगे और 2 टेबलस्पून हम इसमें चिली सॉस ऐड करेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्सअप कर देंगे। इन सब चीज़ों के साथ अच्छे से इसको मिक्सअप करके हम तकरीबन 1 घंटे के लिए इसको मैरिनेट करके रख देंगे। तो 1 घंटे के मैरिनेशन के बाद अब हम इसकी कोटिंग की तैयारी कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने 1/2 किलो मैदा लिया है, प्लेन फ्लावर। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। ये बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा नहीं है। 1 टीस्पून हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे, थोड़ी सी हम इसमें ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। इसके अलावा इसमें कोई भी चीज़ हमें ऐड नहीं करनी। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके बाद हम इसको विंग्स पर कोट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम मैदे को विंग्स पर कोट करेंगे। तो मैं इसमें 4 से 5 विंग्स इस तरह से डाल दूंगी और मैदे को अच्छी तरह से इसके ऊपर कोट कर लेंगे। इसके बाद आप इसको हल्का सा डस्ट कर लें हाथ की मदद से भी, या इस तरह से आप कोई स्ट्रेनर या छलनी की मदद से इनमें डाल स्ट्रेनर में डाल के इसको हल्का सा आप झाड़ लें, ताकि जो एक्सेस मैदा है वो इस पर से उतर जाए। इसके बाद एक बाउल में मैंने ठंडा पानी लिया है और ठंडे पानी में हम इसको तकरीबन 5 से 6 सेकंड के लिए डिप करेंगे और उसके बाद इसको निकाल के दोबारा से हम मैदे में डालेंगे और इसकी अगेन मैदे की कोटिंग करेंगे। तो पानी में हमने 5 से 6 सेकंड के लिए इसको डिप किया है, उसके बाद हम दोबारा से इसके ऊपर मैदे की कोटिंग करेंगे और अब की बार हमें इसको थोड़ा सा हल्का हल्का इस तरह स्लाइटली हाथ से प्रेस करना है और मैदे को अच्छे से इसके ऊपर कोट करना है। तो दोबारा से मैदा इसके ऊपर कोट करने के बाद हल्का सा इसको इस तरह से डस्ट करेंगे, ताकि इसके ऊपर अच्छे से क्रम्स जो हैं वो बन जाएं। अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए मैंने कुकिंग ऑयल को पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था। ऑयल का गर्म होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको ठंडे ऑयल में डाल देंगे तो उससे ये है कि इसकी कोटिंग भी उतर जाएगी और ये हार्ड और च्यूई हो जाएंगे। ऑयल में ऐड करने के बाद आप इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए बिल्कुल भी टच मत करें। उसके बाद फिर हल्का हल्का आप इसको इस तरह से टर्न करते जाएं, जब तक कि इसके ऊपर इस तरह गोल्डन ब्राउन सा कलर ना आ जाए और अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए बहुत खूबसूरत से इसके ऊपर क्रम्स बन गए हैं और क्रिस्पी से हमारे चिकन फ्राइड विंग्स जो हैं वो रेडी हो गए हैं। अब हम इसको ऑयल में से निकाल लेते हैं। तो ज़बरदस्त है, हमारे क्रिस्पी फ्राइड विंग्स जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगेगी। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।